मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, यहाँ की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ तो है ही सब कुछ, सात समुंदर पार लंदन तक में जय घोष हो रहा है। हिंदुस्तानी कहीं भी रहे अपनी परंपरा नहीं छोड़ते। बिल्कुल सपना, देखिए विकास और विरासत को अपने अंदर समाहित करने वाला अयोध्या, जो संतों और पीरों और धर्मात्माओं की धरती है, अब देखिए कि किस तरीके से वो विकास के साथ साथ आगे बढ़ रही है। और ये गेट की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, क्योंकि दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी के मन में यही उत्साह है, यानी कि कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तमाम तैयारियां वो कर चुके हैं। 57 ऐसे देश हैं जो भव्य दिव्य अयोध्या और दिव्य राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। आप देखिए कितनी उत्सुकता लोगों के मन में। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर के अंदर की, जहां पर फूलों से सजावट की गई है। देखिए किस तरीके से फूलों से भव्य दिव्य मंदिर जगमगा रहा है। उसके साथ साथ आप लाइटें देखिए, कितनी सुंदर रोशनी जो है वो भव्य दिव्य राम मंदिर में की गई है, जो नक्काशियां हैं और ज्यादा उभर कर आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से अभी जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं वही जो है गाड़ियां चला सकते हैं। इसके अलावा बाहर से एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है, सिर्फ पासिस के थ्रू आपको जाना होगा। लेकिन राम भक्त जब भी अयोध्या आएंगे तो उन्हें त्रेता युग की वो अयोध्या याद आएगी। देखिए इस तरीके से प्रभु श्री राम के कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं और फूलों से पूरी नगरी को सजा दिया गया है। ये भव्य तस्वीरें देखने कौन नहीं आएगा, हर किसी के मन में उत्सुकता है, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिर भव्य नव्य मंदिर जो हम सिर्फ टीवी में देख रहे हैं वो कितना खूबसूरत होगा। हम और आप तो देख पा रहे हैं, खुशकिस्मती है हमारी सपना, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शक भी हमारे जरिए ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर किसी का आना मुमकिन नहीं है कल, लेकिन 23 तारीख से जब द्वार खुल जाएंगे तो बड़ी तादाद में राम भक्त यहाँ पर आएंगे। और देखिए कितनी खूबसूरती अयोध्या में नजर आ रही है। सपना, हम राम पथ पर आगे आगे बढ़ रहे हैं और खूबसूरती दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी जितनी आगे हम बढ़ रहे हैं उतनी उतनी शोभा जो है उत्सव की, इस महोत्सव की बढ़ती जा रही है। सपना, आपकी आवाज सुन के और यहाँ मैं भी देखिए आज जैकेट पहन करूँ, मेरे दर्शक कहेंगे कि रोजाना सूट पहना, आज जैकेट डाल लिया क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे राम जी आ रहे हैं, तो अभी और तेज हो रही है और आपको मैसेज दे रही है कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। बहरहाल हम कह रहे हैं कि देखिए कैसे हम जैसी भावना रहती है वैसे राम देखते हैं। हमारे सहयोगी अमन ने बात की उन राम और लक्ष्मण से जो कहीं भी निकल जाए, जिन्होंने राम और लक्ष्मण का किरदार निभाया, आज भी लोग उनके चरण छूते हैं। क्या कह रहे हैं वो, कितने खुश हैं, जरा सुनिए।